हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी नर्सिंग ऑफिसर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें आपका सिलेक्शन परसेंटेज बेस पर, इसके अलावा साथियों आपका जो एक्सपीरियंस था उसमें बोनस अंक के आधार पर होने वाला था, उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। लेकिन साथियों, राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की ऑल इंडिया लेवल की भी सबसे बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, या यूं कहें कि देश की सबसे बड़ी नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है वो राजस्थान राज्य में होने जा रही है। साथियों, आपको बता दें कि फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है, जो कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों, लॉट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब अप्लाई करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर क्या रखी गई है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर अपडेट करने वाले हैं। आप हमें साथियों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में जो शिफू है उसके द्वारा ये वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि परमानेंट वैकेंसी के रूप में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साइट पर जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा साथियों, हम आपको तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान में जो वैकेंसी निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर, उसकी संख्या 7020 है। इतनी बड़ी संख्या में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, तो साथियों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये खुशखबरी आपके लिए है। और साथियों, एक्चुअल में अब आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है 7020 पदों पर, यह है वैकेंसी परमानेंट है। जिस प्रकार से नोटशेट के थ्रू आप सेलेक्ट होकर एम्स में लगते हैं, परमानेंट वैकेंसी होती है, उसी प्रकार राजस्थान में भी अब इतनी बड़ी संख्या में परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी। ऑनलाइन जो आवेदन है आपके साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 5 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और आप 4 जून तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरा पूरा आपको 1 मंथ दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अब देखिए साथियों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है और यहाँ पर बोनस अंक हैं उसका क्या प्रावधान रखा गया है। तो जैसे ही साथियों इसका डिटेल नोटिफिकेशन साइट पर आ जाएगा, हम आपको तुरंत प्रभाव से ये अपडेट कर देंगे कि कब और क्या और कैसे होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस रखा जाएगा, क्या फॉर्म फीस रखी जाएगी, कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो सारी बातें आपको कहीं ना कहीं बताई जाएंगी। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए साथियों, ताकि अपडेट मिलता रहे। फार्मासिस्ट के भी साथियों 2859 पदों पर जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी भी परमानेंट है, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकाली गई थी। आपके लिए भी साथियों सेम डेट यहाँ पर रखी गई है, आप भी 5 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।